अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। मैं आप सभी को घुमाने के लिए लाया हूँ लोधी गार्डन। जी हाँ दोस्तों, ये दिल्ली का सबसे बड़ा दूसरा पार्क भी है, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। मैं आपको घुमाने वाला हूँ लोधी गार्डन। यह है लोधी गार्डन का मेन गेट। एक गेट लोधी गार्डन के पीछे है, आप वहाँ से भी आ सकते हैं। मेन गेट ये है, हम यहाँ से एंट्री करेंगे अभी। तो चलो चलते हैं लोधी गार्डन के अंदर। जैसा कि आप देख रहे होंगे दोस्तों, बीच में एक रास्ता है और दोनों तरफ ग्रीनरी है। देख सकते हैं आप कितना ही प्यारा लग रहा है देखने में ये। और सामने है बड़ा गुंबद। यहाँ पर वेडिंग फ़ोटो, वेडिंग वीडियो अधिकतर शूट होती हैं। कई सारी फिल्मों के भी यहाँ पर शूट हुए हैं, देखा होगा आपने। दोस्तों मेरे सामने है बड़ा गुंबद। एक रास्ता इधर से है, एक रास्ता इधर से है, तो हम इस वाले रास्ते से जाएंगे बड़ा गुंबद की ओर आपको दिखाने के लिए। तो चलो चलते हैं। यह है बड़ा गुंबद, आप देख सकते हैं। इसके आसपास बहुत सारे जने हैं और पार्क भी देख सकते हैं आप कितना बड़ा है। ये देखिए, तो चलो चलते हैं बड़े गुंबद के अंदर, मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों आ चुका हूँ मैं बड़े गुंबद के पास। इसका रास्ता साइड से है जो कि जीना है, तो चलो चलते हैं हम जीने से ऊपर। ये हैं ऊपर जाने के लिए पेड़ियाँ। यह है बड़ा गुंबद अंदर से, देख सकते हैं आप। दोस्तों मेरे सामने है गुंबद वाली मस्जिद। ये मस्जिद सैयद वंश के टाइम से है और मैं आपको अंदर से और पास से दिखाता हूँ मस्जिद की खूबसूरती। तो आप ये देखिए, दोस्तों यह है मस्जिद का फ्रंट गेट, आप देख सकते हैं। यहाँ पर कुरान की आयतें लिखी हुई हैं और ये मस्जिद का चलते हैं हम अंदर। ये लाल बलवा पत्थर और वाइट बलवा पत्थर से बनी है, आप इसकी डिज़ाइनिंग देख सकते हैं। ऊपर हर तरफ कुरान की आयत लिखी हुई है और ये सैयद वंश के टाइम से बनी हुई है, देख सकते हैं आप। अपने टाइम की काफ़ी अच्छी मस्जिद रही होगी और डिज़ाइनिंग बहुत ही प्यारी है। इधर देखिए आप, मेरे सामने है शीश गुंबद। शीश गुंबद इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक टाइम पे चमकदार टाइल्स और कांच से बनी हुई थी, देख सकते हैं आप। अब भी काफ़ी खूबसूरत है। और मैं ये है नोटिस बोर्ड, आप मेरी वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। यहाँ पर है पेड़िया, तो आप चलते हैं हम अंदर और आप देख सकते हैं यहाँ पर कब्र हैं बहुत सारी और यहाँ पर सिंगिंग वगैरह भी होती है। अब तो काफ़ी गंदा है, अंदर से कबूतर आते हैं। रास्ता वो है एक, और एक रास्ता ये है। तो चलो चलते हैं बाहर। पार्क देखिए कितना बड़ा है और कितना साफ़ और कितना ग्रीनरी है यहाँ पर। और ये चीज़ देखिए आप, काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके, और अच्छा एनवायरनमेंट है इधर का। और ये देखिए आप कितनी ग्रीनरी है ऊपर, यहाँ पे कितनी बढ़िया डिज़ाइनिंग करी गई घासों के साथ, हरी हरी। ये देखिए एक ग्रीन सा गेट बना रखा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। अभी मैंने आपको दिखाया बड़ा गुंबद, गुंबद वाली मस्जिद और शीश गुंबद। अब मैं आपको दिखाने ले जा रहा हूँ मोहम्मद शाह का मकबरा। तो चलो चलते हैं।
आप देख सकते हैं कि बैठने का सिटिंग अरेंजमेंट भी बहुत अच्छा करा गया है पार्क में। ये देखिए आप, चेयर हैं, झोपड़ी टाइप बनी हुई है यहाँ भी। पार्क काफ़ी बड़ा है, मैं मोहम्मद शाह का मकबरा ढूंढ रहा हूँ तो हमें मिल नहीं रहा। आप इतने रास्ते का एंजॉय कीजिए, देखिए आप रास्ता कितना प्यारा है। तो दोस्तों ये रास्ता जाता है मोहम्मद शाह के मकबरे की तरफ, आप देखिए रास्ता ही इतना प्यारा है। तो फाइनली दोस्तों 15 मिनट ढूंढने के बाद हमें मकबरा मिल चुका है। तो मैं आपको दिखाता हूँ मोहम्मद शाह का मकबरा। मेरे पीछे है मोहम्मद शाह का मकबरा। ये मकबरा लोदी गार्डन में बनवाया जाने वाला पहला मकबरा भी है। तो चलो चलते हैं इसके अंदर। जैसा कि मैंने बताया था आपको, फ़ोटो वगैरह शूटिंग होती रहती है, देख सकते हैं आप साइड में फ़ोटो शूटिंग हो रही है। ये है जीना। चलो चलते हैं अंदर। इसके अंदर जैसे ही आप एंट्री करेंगे तो यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी कब्रें हैं, देख सकते हैं आप। ये रही, यहाँ पर दरवाजे भी बहुत ही सारे हैं और छोटे छोटे रोशनदाने हैं हवा के लिए, देख सकते हैं आप। और आप इसकी गुंबद देखिए, काफ़ी बड़ी है। तो ये है मोहम्मद शाह का मकबरा। तो चलो दोस्तों चलते हैं बाहर। एक चीज़ जो मोहम्मद शाह के मकबरे को खूबसूरत बनाती है ना, वो है इसका पार्क। आप जब आएंगे ना पार्क में तो आपको अलग ही दिखाई देगा इतना ग्रीनरी, खूबसूरती पार्क की। आप घूमने के लिए ज़रूर आ सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत जगह है और हिस्टोरिकल प्लेस है, तो आप ज़रूर आएँ। हाँ, यहाँ पर कपल बहुत हैं और फैमिली वगैरह भी बहुत ही आती हैं, तो काफ़ी अच्छी जगह है दिल्ली में घूमने के लिए। तो आप ज़रूर यहाँ पर विज़िट करें और आएँ घूमने के लिए। ग्रीनरी तो यहाँ पर भरपूर मात्रा में भरी पड़ी है। आप मेरे पीछे जगह देख सकते हैं कितनी खूबसूरत लग रही है, सारी तरफ हरियाली हरियाली है। और जिस जगह मैं खड़ा हूँ यह है छोटी सी नहर जो कि फ़िलहाल बंद है, मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ। ये पार्क काफ़ी बड़ा है, आप चलते चलते थक जाओगे। और ये पार्क दिल्ली के अंदर दूसरा सबसे बड़ा पार्क भी है। तो बस, और पानी यहाँ मिलता ही है, आप टेंशन ना लें, आएँ घूमें मौज करें। आप यहाँ पर रास्ता देखिए, और यहाँ पर इस तरीके से एक झील भी है और सामने चल रहा है फव्वारा। आपको इस झील के पास शाम को इस तरीके का नज़ारा मिलेगा फुहारे चलते हुए, देख सकते हैं आप झील में, काफ़ी बढ़िया लग रहा दोस्तों। मेरे पीछे है सिकंदर लोदी का मकबरा। ये लोदी वंश के दूसरे सबसे बड़े शासक थे, फिर इब्राहिम लोदी आए, बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया, फिर मुग़ल वंश की स्थापना हुई। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ सिकंदर लोदी का मकबरा अंदर से। यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन है सिकंदर लोदी के मकबरे के बारे में, आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो यह है सीढ़ियाँ ऊपर जाने के लिए मकबरे में, तो चलते हैं।
ऊपर सीढ़ियों से चढ़ते ही कुछ इस तरीके का व्यू आएगा आपके सामने। देख सकते हैं दो मेहराबें हैं, काफ़ी सुंदर जगह है। और यह है एंट्री गेट मकबरे के अंदर जाने के लिए। तो चलो चलते हैं मकबरे के अंदर। चलो ताला लग रहा है, क्या कर सकते हैं। चलो मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ, यह है सिकंदर लोदी की कब्र अंदर से। उम्मीद करता हूँ आप सभी को मेरा व्लॉग ये पसंद आएगा। बस आप लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं जब तक के लिए नेक्स्ट व्लॉग में। आप मेरा ये वीडियो देखिए और एंजॉय करिए और घूमने ज़रूर आइए लोदी गार्डन।